हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल द बीघा रियल एस्टेट। माय नेम इज अजय नारंग। आज हम बात करेंगे ग्लोबल सिटी की। काफी टाइम से ग्लोबल सिटी की स्टोरी चल रही है कि ग्लोबल सिटी आएगी नहीं आएगी, कैसे आएगी, क्या कितने एकड़ के अंदर आ रही है। बट बैक टू बैक जो HSIIDC के जो दो एक्शन हुए उसके बाद लग रहा है कि अब काफी जल्दी इस पे ऊपर जो है काम स्टार्ट होने वाला है। उन दो एक्शन की बात हम आगे वीडियो में करेंगे। पहले हम बात करते हैं कि इसकी लोकेशन क्या है, क्योंकि हमेशा लोकेशन ही मेरी प्रायोरिटी होती है। सो लोकेशन जो इसकी आ जाती है वो आ जाती है 36A, 37B, चार सेक्टर के अंदर, 1000 एकड़ के अंदर जो है हमारी ये टाउनशिप आती है। मैं आगे आपको मैप के थ्रू भी समझाऊंगा कि ये कैसे इसकी जो है कनेक्टिविटी रहने वाली है। बट अगर अभी मैं बात करूं तो 20 मिनट की कनेक्टिविटी जो है इस टाउनशिप की आपकी साइबर सिटी से, 20 मिनट ही गोल्फ कोर्स रोड से, और अराउंड जो है हुड्डा सिटी सेंटर से बात करूं वहां पे भी 20 मिनट, और जो गुड़गावा का रेलवे स्टेशन है, और अगर मैं बात करूं एक तरह से IJ एयरपोर्ट से, तो 30-35 मिनट की कनेक्टिविटी आपकी रहने वाली है। अब मैं आपको मैप के थ्रू समझाता हूं कि ये इसकी कनेक्टिविटी कैसे रहने वाली है। चलिए चलते हैं। देखिए इस हिसाब से कुछ ये लोकेशन रहने वाली है। तो आपका आप देख पा रहे होंगे NPR CPR के बिल्कुल बीच में है, और अगर पूरे अगर मैं गुड़गांव मास्टर प्लान की भी बात करूं तो एक तरह से बीच में ग्लोबल सिटी आ जाती है, जो डार्क ब्राउन कलर से है, 36B, 37B सेक्टर के अंदर। सो NPR हो, पटौदी रोड हो, आपका NH8 हो, CPR हो, NH48 हो, सबसे अगर आप देखोगे तो एक अच्छी कनेक्टिविटी निकल के आ रही है। बाकी और भी रोड्स का काम चल रहा है, और काफ़ी बड़ी टाउनशिप है, अराउंड 1000 एकड़ के अंदर ये टाउनशिप आ रही है। तो उस हिसाब से इंफ्रा भी उसी हिसाब से पुश मिलेगा, चाहे वो NPR के थ्रू हो, चाहे CPR के थ्रू हो। और हेलीपैड भी आगे बन रहा है, मल्टी जो आपका बस टर्मिनल वो भी CPR पे आ रहा है। सो ये ओवरऑल इस हिसाब से जो है ये लोकेशन रहने वाली है। आई होप आपको कनेक्टिविटी क्लियर होगी होगी। आपका जो है द्वारका एक्सप्रेस और पटौदी रोड पे एक तरह से हमारी ये आ जाती है, और मैप के थ्रू मैंने कोशिश की है कि आपको कनेक्टिविटी और लोकेशन में आपको अच्छी तरह समझा दूं। अब मैं बात करूं हरियाणा गवर्नमेंट का कौन सा डिपार्टमेंट जो है वो इसकी जो है ओनरशिप ले रहा है, वो है HSIIDC, हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जो कि एक्सपर्ट है इस टाइप की टाउनशिप में। 1967 में डिपार्टमेंट बना था, एंड 100% ओन्ड बाय दी हरियाणा गवर्नमेंट। और इसका जो काम होता है वो काम होता है कि जितनी भी हरियाणा गवर्नमेंट के लिए लैंड एक्वायर करके उसमें जो है सोशल, इंफ्रा, कमर्शियल, रेजिडेंशियल बड़ी टाउनशिप डेवलपमेंट करना है। एंड इस डिपार्टमेंट को एक्सपीरियंस है इतनी बड़ी टाउनशिप डेवलपमेंट करने का। और बीच में जो अराउंड 4 डेज बैक 12 मार्च को हिंदुस्तान टाइम्स में इन्होंने एड भी दी थी HSIIDC के लिए, और वो एड भी मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, और उससे आपको थोड़ी सी ज़्यादा क्लैरिटी आएगी इसके ऊपर। सो ये देखिए, ये एड जो हिंदुस्तान टाइम्स में 12th ऑफ मार्च संडे को जो दी है HSIIDC डिपार्टमेंट ने, जो कि रिस्पॉन्सिबल है इस टाउनशिप के लिए, 1000 एकड़ के अंदर ये टाउनशिप है, और मल्टीपल फीचर इन्होंने इसके अंदर जो है वो मैंशन किए हुए हैं। सो ये 1000 एकड़ के अंदर ये टाउनशिप रहेगी हमारी, और इसमें अगर मैं बात करूं तो आपके जो प्लॉट साइज 20 एकड़, 40 एकड़, 100 एकड़ के करीब रहेंगे, जो रिटेल के लिए नहीं होंगे। बड़ी बड़ी कंपनियां बिल्डर कॉलोब्रेशन के थ्रू जो है इसके अंदर करेंगी, और उसके बाद फिर जो है रिटेल एंड यूजर जो है इसके अंदर जो है एंटर कर सकता है। बाकी इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो मिक्स लैंड यूज डेवलपमेंट रहेगी, जिसमें आपका IT हब हो गया, फाइनेंशियल जोन हो गया, आपके मॉल हो गए, कमर्शियल, रेजिडेंशियल, स्टार्टअप्स के लिए जो है एक वो हो गया, बाकी ग्रीनरी, और अच्छा खासा एक मिक्स लैंड यूज डेवलपमेंट रहने वाली है। और इसके अंदर अराउंड 6 किलोमीटर तक का आपको जो है ग्रीन एरिया देखने को मिल सकता है, जो अभी आज की डेट में पता चल रहा है। इसके अलावा जो इसमें स्मार्ट इंटेलिजेंस सिस्टम रहेगा, स्मार्ट वेस्ट कलेक्शन आपका जो रहने वाला है, बाकी साइकिल ट्रैक हो गया, आपके जो है एक तरह से हेलीपैड भी इसके पास बन रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी जब टाउनशिप आएगी तो विदाउट इंफ्रा के आपकी आ नहीं सकती। और अच्छा खासा एक स्मार्ट मतलब कि एक तरह से जैसे आप नाम से ही आपको पता लग रहा है, एक तरह से स्मार्ट चीजें यहाँ पे रहने वाली हैं, चाहे वो वेस्ट कलेक्शन हो, चाहे वो आपका इंफ्रा हो, चाहे वो आपका आप साइकिल ट्रैक लगा लो आपका, चाहे ट्रांसपोर्ट के रिगार्डिंग लगा लो। तो इस हिसाब से पूरी टाउनशिप रहने वाली है। अब मैं आपको एक और मैप शो करता हूँ जिसमें आपको बताऊंगा कि हेलीपैड कहाँ पे आने वाला है और कहाँ पे मेन इनकी जो रोड रहेंगी, आइए एक बार वो भी देखते हैं। ये देखिए इस हिसाब से ग्लोबल सिटी रहने वाली है। तो अगर आप देखोगे तो ये हेलीपैड का काम जो है ये आपका जो इधर बनेगा CPR के पास, आपका जो है बस टर्मिनल जो है
वो आपका यहाँ पे आएगा। पटौदी रोड 6 लेन का काम चल ही रहा है। NPR द्वारका एक्सप्रेस है जिसको बोलते हैं, वो भी आपका इसी रेम तक कंप्लीट हो जाएगा। NH 48 पे जो टोल है आपका मनेसर टोल प्लाडा, उस पर मैंने अपना एक प्रीवियस वीडियो बनाया जिसमें मैं बता रहा हूँ कि कैसे ये टोल हटने की जो है पॉसिबिलिटी चल रही है और कैसे ये फिर कलेक्शन करेगी गवर्नमेंट यहाँ पे अपना टोल का। और क्लोवर लीफ का आपको पता ही है कि काम चल रहा है। सो इस हिसाब से ये जो है कनेक्टिविटी रहने वाली है। रिसेंटली HSIDC ने जो है ई ऑक्शन के लिए भी जो सेकंड एक्शन जिसकी मैं बात कर रहा था, फर्स्ट एक्शन जब इन्होंने ऐड निकाली थी और सेकंड एक्शन जिसकी मैं बात कर रहा था, अब इन्होंने ई ऑक्शन भी जो है ओपन कर दिया है। सो उसकी लास्ट डेट आपकी रहेगी 1 मई 2023 और जो ई ऑक्शन होगा उसकी डेट अब इन्होंने 19 मई 2023 डेट रखी है। तो मैं ई ऑक्शन भी आपको दिखाता हूँ जो इन्होंने एडवर्टाइजमेंट दी है और उसके थ्रू फिर मैं आपको समझाऊंगा कि इसमें किस हिसाब से पार्सल आ रहे हैं और किस हिसाब से जो है इसका रेट रहने वाला है। चलो देखते हैं हम एक बार जाके। ये तीन पार्सल का जो HSIDC ने अभी ओपन किया ई ऑक्शन, उसमें आप देखोगे तो 40 करोड़ से 65 करोड़ पर एकड़ के हिसाब से जो लैंड की कॉस्ट निकल के आ रही है। रिसेंटली आपको याद होगा जो एलान डेवलपर ने इंडिया बुल से लैंड लेके जो अपना ये 40 एकड़ का प्रोजेक्ट लेके आए द प्रेजेंशियल बैंग ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर सेक्टर 106 में, तो उन्होंने 15 करोड़ पे एकड़ के हिसाब से 40 एकड़ लैंड ली थी। अराउंड 590 करोड़ की सबसे बड़ी डील हुई थी। और अगर आप यहाँ पे रेट देखोगे तो 40 करोड़ से लेके और 68 करोड़ तक के जो है लैंड की कॉस्ट पर एकड़ के हिसाब से निकल के आ रही है। सो नाउ वी हैव टू सी कि कैसे चीजें निकल के आएंगी और कैसे रिटेल एंड यूजर इतने महंगे रेट पे इसमें एंटर करेगा। सो इस हिसाब से जो है ये है। बाकी अब मैं एक आपको एक और मैप दिखाता हूँ जिससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि इस पूरे 1000 एकड़ के अंदर कहाँ पे रेजिडेंशियल आ रहा है, कहाँ पे कमर्शियल है, कहाँ पे पब्लिक यूटिलिटीज है, रोड कैसे कनेक्ट कर रहे हैं और कहाँ पे जो है इस ये पूरे मैप रहने वाला है। तो आइए हम एक बार वो भी देखते हैं। ये देखिए इस हिसाब से जो मास्टर प्लान रहने वाला है इसका, अभी तीन पार्सल ओपन किया गवर्नमेंट ने, तो ये जो आपका डार्क ब्लू कलर है ये आपका जो है कमर्शियल है और ऑफिस स्पेस हो गया आपका, और जो येलो हाइलाइटेड कलर है ये यहाँ पे आपका रेजिडेंशियल आएगा और रेड कलर में आपका पब्लिक यूटिलिटी स्पेस हो गया, उसमें गवर्नमेंट डिसाइड करेगी क्या आएगा उसके अंदर। और उसके बाद फिर आपका एक ग्रीन एरिया है जो ग्रीन कलर में है, और फिर उसके बाद रोड्स होगी आपकी मानेसर पलवल आपका MRTC हो गया और वाटर वर्क्स जो आपका इधर लेफ्ट साइड में दिख रहा है, और रोड्स भी काफ़ी अच्छे रोड है, बीच में साइकिल ट्रैक भी हैं और बीच में दो आपको अंडरपास भी दिख रहे हैं। बाकी और भी आगे डेवलपमेंट आएगी धीरे धीरे जैसे मैंने आपको प्रीवियस इसमें बताया था। तो अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट ने अभी जो है एक तरह से तीन पार्सल ओपन किए हैं, अराउंड 150 एकड़ भी ई ऑक्शन में आया। आगे वाले पार्सल माइट भी गवर्नमेंट जो है प्रीमियम के साथ लेके आएगी, ऑल्दो अभी रेट काफ़ी हाई है, बट ये है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं बिल्डर्स हैं वो कैसे कॉलब्रेशन करके इसके अंदर लेके आते हैं वो तो आई थिंक 19 मई तक हमको जो है क्लियर हो जाएगा, आज से 2 महीने बाद। सो इस हिसाब से जो ई ऑक्शन का ये लेके आए हैं। और अब हम बात करते हैं कि इसे बेनिफिट किसको होगा। अगर मैं बेनिफिट बात करूं अगर मैं एंड यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से, सो द्वारका एक्सप्रेस वे पे जो आज की डेट में जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, CPR पे जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बेनिफिट उनको काफ़ी होने वाला है। रीजन बीइंग कि जब इतनी बड़ी टाउनशिप डेवलप होगी तो वाइट कॉलर जॉब्स भी आएंगे क्योंकि इसमें IT हब भी है, फाइनेंशियल हब भी है, ऑफिस स्पेस भी है, तो एक रियल एस्टेट में एक रेजिडेंशियल की डिमांड जो है मेरे हिसाब से आने वाली है। और अगर ऑल्दो इसके अंदर भी काफी रेजिडेंशियल रहेगा, नाउ वी हैव टू सी कि वो रेजिडेंशियल किस रेट पे आ रहा है और किस हिसाब से उसमें डिमांड जनरेट होगी। बट ऑलरेडी जो द्वारका एक्सप्रेस वे पे जो प्रॉपर्टीज आई थिंक रेजिडेंशियल की डिमांड वहां पे रहने वाली है ड्यू टू वाइट कॉलर जॉब। इसके अलावा दूसरा जो मुझे दिख रहा है मेगा जो है एक इंफ्रा पुश आएगा, जैसे हेलीपैड आपका बन रहा है, आपका बहुत बड़ा बस टर्मिनल जो है CPR के ऊपर बन रहा है, बसई में रेलवे स्टेशन की भी बात चल रही है, द्वारका एक्सप्रेस वे के अलावा भी जो है यूटिलिटी कॉरिडोर बन रहा है आपका, और मानेसर पलवल MRTC द्वारका और उसके पास भी जो MRTC का जो काम चल रहा है, तो एक तरह से पूरा सिर्फ ग्लोबल सिटी के आसपास जितना भी द्वारका एक्सप्रेस वे CPR SPR का इलाका, तो
ऑलमोस्ट ऑल जो एरिया है वो बेनिफिट करेगा इतने मेगा इंफ्रा पुश से। और बाकी तीसरा बेनिफिट रियल एस्टेट को तो बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि जो रियल एस्टेट एक्सपर्ट हैं वो अराउंड 1 लाख करोड़ रियल एस्टेट की बात कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखोगे लैंड का रेट और 1000 एकड़ जो डेवलपमेंट हो रही है, सो उस हिसाब से नंबर मेरे हिसाब से अगर बनता है तो इतना अचीव होना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। और एक तरह से आप लगा के चलो बहुत बड़ा इंफ्रा पुश यहाँ पे आने वाला है ड्यू टू दिस ग्लोबल सिटी। जैसे हम आज की डेट में साइबर सिटी को देख रहे हैं, अगर ये ग्लोबल सिटी 70-80% भी जैसे गवर्नमेंट चाह रही है अगर वैसे निकल के आती है, सो आई थिंक एक बहुत बड़ा एक तरह से ये रेवोल्यूशन होगा गुड़गांव रियल एस्टेट के अंदर। सो ये था आज का हमारा वीडियो ग्लोबल सिटी के ऊपर। इसके अलावा अगर आप द्वारका एक्सप्रेसवे सीपीआर या न्यू गुड़गांव या एसपीआर के ऊपर जो है कमर्शियल रेजिडेंशियल या एससीयू या डीडीजीवाई प्लॉटिंग देख रहे हैं तो उसके लिए यू कैन कॉन्टेक्ट मी। और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।